हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंटपुरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम 2021 के बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचकांक कवर करने वाले हैं। यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? इसका आंसर है महाराष्ट्र। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2021 के अनुसार न्याय दिलाने के मामले में पहला राज्य जो है ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, और मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में सैन्य रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल थल क्षमता सेना के मामले में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर है रूस। सैन्य रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल थल क्षमता सेना के मामले में रूस जो है वो पहले स्थान पर रहा है। रूस की राजधानी है मॉस्को, जो कि मॉस्कवा नदी के किनारे स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस जो है ये सबसे बड़ा देश है। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं दमित्री मेदवेदेव। अगला क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य ने सबसे ज्यादा महिलाओं को पुलिस फोर्स में नियुक्त किया है? इसका आंसर है बिहार। तो पुलिस फोर्स में सबसे ज्यादा महिलाओं को बिहार राज्य में नियुक्त किया गया। बिहार की राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं फागू चौहान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2021 में कुल नौ शक्ति क्षमता सेना के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसका आंसर है चीन। 2021 में कुल नौ शक्ति क्षमता सेना के मामले में चीन जो है ये पहले स्थान पर रहा है। चीन की राजधानी है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनवी और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य अंतिम स्थान पर रहा है? इसका आंसर है बिहार। नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में बिहार राज्य जो है ये अंतिम स्थान पर रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सैन्य रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे अच्छा वेतन किस देश के द्वारा सैनिकों को दिया जाता है? इसका आंसर है कनाडा। सैन्य रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे अच्छा वेतन कनाडा के सैनिकों को दिया जाता है और कनाडा की राजधानी है ओटावा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? इसका आंसर है 86। तो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक 86 है। इसके अलावा कुछ अन्य इंडेक्स के बारे में बात करते हैं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंक है 63। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक है 142 और मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक है 131 तथा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक है 48। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2021 में जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में किसने टॉप किया है? इसका आंसर है एलन मस्क। 2021 में जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में एलन मस्क ने टॉप किया है। एलन मस्क ये स्पेस एक्स के फाउंडर हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? इसका आंसर है 7। अगला क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा महिलाएं पुलिस अधिकारी हैं? इसका आंसर है तमिलनाडु। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2021 के अनुसार तमिलनाडु राज्य में सबसे ज्यादा महिलाएं पुलिस अधिकारी हैं। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में किसने टॉप किया है? इसका आंसर है आइसलैंड। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में आइसलैंड ने टॉप किया है। आइसलैंड की राजधानी है रिक्जेविक। आइसलैंड की करेंसी है क्रोना। अगला क्वेश्चन है, पुरानी गाड़ियों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका आंसर है कर्नाटक। तो पुरानी गाड़ियों की सूची में कर्नाटक पहले स्थान पर रहा है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और बेंगलुरु एक वृषभावती नदी के किनारे स्थित है। बेंगलुरु में ही हेडक्वार्टर है इसरो का।
कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत और कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्बई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय शहर में अधिकतम सीसीटीवी कवरेज है? इसका आंसर है चेन्नई। हालिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे अधिक सीसीटीवी कवरेज चेन्नई में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2021 में किस राज्य में सबसे ज्यादा बाढ़ से फसल को नुकसान हुआ है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? इसका आंसर है 139। विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 में भारत की रैंक 139 है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिपरी की रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का शीर्ष शस्त्र आयातक देश कौन सा है? इसका आंसर है सऊदी अरब। सिपरी की रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का शीर्ष शस्त्र आयातक देश जो है ये है सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल ये भी सऊदी अरब में स्थित है जिसका नाम है रब अल खाली। अगला क्वेश्चन है, 2021 में दुनिया का सबसे खराब ट्रैफिक वाला भारतीय शहर कौन सा बना है? इसका आंसर है मुंबई। 2021 में दुनिया का सबसे खराब ट्रैफिक वाला भारतीय शहर मुंबई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? इसका आंसर है 111। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंक 111 है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में कौन सी रैंक है? इसका आंसर है 10। भारत की एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में 10वीं रैंक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? इसका आंसर है 94। विश्व भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत की रैंक 94 है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? इसका आंसर है कर्नाटक। नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2021 में कर्नाटक जो है ये टॉप पर रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है? इसका आंसर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है 104। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस देश में सड़क दुर्घटना में सबसे ज्यादा मृत्यु होती है? इसका आंसर है भारत। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सड़क दुर्घटना में सबसे ज्यादा मृत्यु होती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए CGA कौन बने हैं? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। यदि आप लोगों को इसका राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो के बारे में आपका कोई सुझाव हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे हमारा आने वाला वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।